सब मिशन योजना के तहत खरीदे गए उपकरणों का मामला उठाया। शर्मा ने सदन में कहा कि अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। मेरा आरोप है कि किसानों को दिए जाने वाला ट्रैक्टर कमीशन खोरी के लिए अधिक कीमत पर खरीदे गए, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। POT HP, ये कहाँ से है स्पेसिफिकेशन? ये महंगे ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता क्या थी? और इस तरह से विवाद में महंगे महंगे, और इस कंपनी को रिकमेंड किसने किया? अनुशंसा किसने की? कि कोई माननीय मंत्री जी ने बहुत कृपा करके इसकी जांच कराने और सक्षम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ट्रैक्टर और बेलर खरीदी पर पूरे वर्ष भर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइड से किए गए सारे खरीदी की जांच APC से कराने का मैंने निर्देश दिया है। बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके फिर उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अब खबर रायपुर से है, जहां पर गौठान के मामले से जुड़े सवाल पर जवाब नहीं आने से भाजपा JCC ने विधानसभा में प्रश्नकाल का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी ने प्रश्नकाल के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रश्नकाल में यदि जवाब ही नहीं आएगा तो ऐसे में इसका क्या औचित्य। JCCJ की विधायक रेणु जोगी ने कृषि मंत्री से पूछा था कि प्रदेश में पशुधन सुरक्षा के लिए कितने गौठानों का निर्माण किया गया। मामला आया कि गौठान को लेकर के, और इसके मंत्री के जवाब नहीं आने के कारण में असंतुष्ट होकर के सदन से आज दिन भर के लिए वॉकआउट किया गया। तो बहुत ज्यादा गतिरोध नहीं था, मैंने मनाने का प्रयास किया, लेकिन आज प्रतिपक्ष को शायद और व्यस्तता है, दिल्ली वगैरह जाना है, इसलिए चूंकि आज प्राइवेट मेंबर डे था इसलिए लोगों ने इसको शायद इस कारण सदन में उपस्थित होना उचित नहीं समझा। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने सदन में चुनाव वितरण में देरी का मामला उठाया। जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि नीतिगत निर्णय लेने और योजना की समीक्षा के कारण अप्रैल से जून तक चुनाव वितरण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में चने का मूल्य 4,876 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ था, कांग्रेस सरकार के वक्त में 3,500 रुपये क्विंटल पर आ गया है। इस प्रक्रिया की वजह से अप्रैल से जून तक वितरण नहीं हो रहा है। वहीं मंत्री के बयान से सदन में विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने हंगामा किया और मंत्री पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। 3 महीने से चना गुड़ की खरीदी नहीं हुआ और न ही उनको वितरण हो पाया। जवाब इस पर विभाग के द्वारा गोलमाल उत्तर दिया जा रहा है। माननीय मंत्री के द्वारा भी इसको प्रश्न को गंभीरता से लेकर के जवाब नहीं दिया जा रहा कि विभाग इसकी समीक्षा कर रहा था, इसकी चर्चा कर रहा था, इन कारणों के साथ मंत्री जी का जवाब है। चना खरीदी के लिए जो नेफेड से एग्रीमेंट था पूर्ववर्ती सरकार का था, हमने उसी को आगे बढ़ाया और कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब निर्बाध रूप से चने का वितरण सभी आदिवासी ब्लॉकों में और माडा क्षेत्र में किया जा रहा है। सदन में कोरोना वायरस का मामला भी जमकर गूंजा। ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि उठाते हुए चीन से आयातित सामानों से होली के समय पिचकारी और अन्य सामानों से वायरस फैलने की संभावना है। कोरोना वायरस से दुनिया में 3100 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। रायपुर में 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में संक्रमण सबसे ज्यादा हो सकता है, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को खतरा हो सकता है, ह्यूमन सिस्टम जिनका कमजोर है वो प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित लोगों के मृत्यु का प्रतिशत केवल 2.3 ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के लक्षण की पहचान के लिए प्रोटोकॉल तय कर लिया है। रायपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर एडवाइजरी बोर्ड लगा दिया गया है।